हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग वीडियो के माध्यम से रामजीलाल क्लासेस में जो कक्षा 11 के कोर्स को पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में, उसमें हम लोग उसी अपने वीडियो के द्वितीय पार्ट को अध्याय एक के भौतिक जगत तथा मापन, जिस अध्याय की हमने शुरुआत की थी उसके द्वितीय भाग की शुरुआत करते हैं। द्वितीय भाग में हमने प्रथम भाग में जो चर्चा की, प्रथम भाग की चर्चा के अंतर्गत हमने आपको बताया कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कम समय में कितना अच्छा पढ़ लेना है, इसकी चर्चा हमने की थी। अब उसके बाद उसी क्रम में हमने विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, इस पर भी चर्चा कर ली थी। उसी क्रम में आज हम जानेंगे कि हमें क्या आवश्यकता पड़ी इस भौतिक जगत को इस पढ़ने के लिए, इस भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें मापन की आवश्यकता पड़ रही है। तो मापन की आवश्यकता, प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ भी वस्तु का प्रयोग करेंगे, हम पानी पिएंगे या हम पेट्रोल लेने जाएंगे या हम आटा लेने जाएंगे या हम सब्जी लेने जाएंगे, कुछ भी आप यूज करेंगे, आप गैस लेने जाएंगे, आप चाहें ठोस की बात करें, आप चाहें द्रव की बात करें, आप चाहें गैस की बात करें, तीनों में आवश्यकता है मापन की। तो मूलभूत आवश्यकता है मापन, मापन की आवश्यकता हुई। तो मापन की आवश्यकता में सबसे प्रथम आवश्यकता है कि भौतिक राशि किसे कहेंगे, हम क्या जानेंगे कि कौन भौतिक राशि है, कौन भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि में वे राशियां जिनकी सहायता से हम विज्ञान, भौतिक विज्ञान के सूत्र और समीकरण को सरलतम ढंग से पढ़ लेते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे भौतिक राशियां, लिखिए भौतिक राशियां। इसमें आप लिखेंगे वे राशियां जिनके माध्यम से हम भौतिक विज्ञान के सूत्र व समीकरणों को सरलतम विधि से पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे भौतिक विज्ञान, उसे भौतिक राशियां कहते हैं, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशि हमने पढ़ लिया, भौतिक राशि हमने जाना, इसके बाद भौतिक राशि से के प्रकार हैं। इसमें क्या प्रकार है भौतिक राशि में? भौतिक राशि में दो प्रकार है, एक है मूल राशि, एक है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। नंबर एक है मूल राशि, नंबर दो है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको समझते हैं क्या इसका अर्थ है। मूल राशियां, आप हेडिंग लगाइए मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। अब हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न यही तो चल रहा है, ये वीडियो बनाने का माध्यम क्या है, कारण क्या है, ये वीडियो क्यों बनाया जाए, क्यों विद्यार्थियों के लिए सार्थक वीडियो हो। इसका मुख्य उद्देश्य यही तो है कि विज्ञान समझने का विषय, रटने का विषय नहीं है, विद्यार्थी सरलतम ढंग से इसको पढ़ सके। तो हम यदि मूल राशि की बात करें तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त, यहां पर एक शब्द को हम अंडरलाइन करते हैं, उस शब्द का नाम है व्यक्त। व्यक्त शब्द का अर्थ क्या होगा? व्यक्त शब्द का अर्थ यहां पर दिखाना, दर्शाना, समझना, समझाना होगा।
करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। इनकी संख्या सात होती है, ये सात प्रकार की होती हैं, ये सात प्रकार की होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा आदि, पदार्थ की मात्रा, जो तीव्रता आदि, ये सात प्रकार की होती हैं। यदि इनको हम समझना चाहें, परिभाषा कहती है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त, व्यक्त का अर्थ क्या है, समझना, समझाना, दिखाना, दर्शाना, ये शब्द अर्थ है व्यक्त का, करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, यदि हम लंबाई की बात करें, यदि हम कहें कि इस स्थान, एक स्थान है, अमुक स्थान है, इस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी 5 किलोमीटर है, तो आप उसको क्या कहेंगे, तो आप उसको या तो मीटर में कह देंगे कि 5000 मीटर है, या आप उसको मिलीमीटर में कह देंगे, या आप उसको सेंटीमीटर में कह देंगे, कुल मिला के आप उसको जब भी कुछ कहेंगे तो उसे आप लंबाई के पदों में ही कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या है, लंबाई को आप केवल और केवल लंबाई के पदों में ही व्यक्त कर सकते हैं। इससे स्पष्ट ये होता है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि। जैसे द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान में आप दुकान पर जाइए और कहिए भैया 5 किलो चीनी दे दीजिए, तो 5 किलो चीनी का क्या अर्थ है यहाँ पर, 5 किलो चीनी को आप दूसरी भाषा में क्या, या तो ग्राम में कह दीजिए या मिलीग्राम में कह दीजिए, यही तो आप कह पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान को आप केवल और केवल द्रव्यमान के पदों में ही व्यक्त कर सकते हैं। इससे स्पष्ट ये होता था कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए लंबाई की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए ताप की आवश्यकता नहीं है। अतः स्पष्ट ये हो रहा है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। इसी प्रकार से समय की हम बात करेंगे, तो समय में यदि मान लीजिए 2 बज रहा है, आप कहेंगे 2 बज रहा है दिन का, तो आप इसको क्या कहेंगे, 2 ही बजे कहेंगे, और तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये था कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। हम आगे बात करते हैं इसकी मात्रक की, मूल मात्रक की बात करते हैं। तो मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक में आप लिखेंगे मूल मात्रक कहलाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं इनको, मूल मात्रक, जैसे मीटर कामा किलोग्राम कामा सेकेंड कामा केल्विन आदि, ये मूल मात्रक हो गए। इनको हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मूल मात्रक। यदि किसी विद्यार्थी ने मूल राशि के बारे में नहीं जाना, मूल मात्रक के बारे में नहीं जाना, तो वो भौतिक विज्ञान को आगे बहुत अच्छे तरीके से जान और समझ नहीं सकता है। ये मूल है, ये बेसिक है, आपको विज्ञान पढ़ने के लिए ये स्तंभ का काम करेगा। तो मूल राशि क्या थी, ये सात प्रकार की थी, इसमें लिख लेते हैं क्रमशः, लंबाई मात्रक, इसका मीटर, इसका संकेत क्या, संकेत इसका एम, द्रव्यमान मात्रक इसका किलोग्राम, संकेत इसका केजी, समय मात्रक इसका सेकेंड, संकेत इसका
या इसको टी से भी कहते हैं, ताप केल्विन, इसको थीटा से कहते हैं संकेत में, विद्युत धारा मात्रक इसका एम्पियर, संकेत इसका ए, ज्योति तीव्रता इसको कैंडिला कहते हैं, मात्रक इसका कैंडिला, और संकेत इसका सी ए डी, अंतिम है पदार्थ की मात्रा, मात्रक इसका मोल, और इसका म्यू से या मोल से इसको संकेत करते हैं। तो ये मूलभूत चीज है विज्ञान जगत में, इसके बारे में आप पढ़िए, इसको याद करिए। इसको यदि याद करने के लिए एक ट्रिक की बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक हमने कही थी आपसे, वो ट्रिक है MLT, लेट हो गया, MLT लेट हो गया, इससे भी इसको याद कर सकते थे। M का मतलब यहाँ पर मास था, L का मतलब लेंथ था, T का मतलब टाइम था, A का मतलब एम्पियर, माने इसमें विद्युत धारा को लिया था, इस तरीके से इसको भी हम याद कर सकते थे। इसके बाद हम बात करते हैं मूल राशि के बाद व्युत्पन्न राशि की, कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है जानते हैं। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? व्युत्पन्न राशि की परिभाषा कहती है वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है। अथवा इसी बात को आप कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। प्यारे बच्चों, विज्ञान समझने का विषय है तो जो परिभाषा कहती है उस वो समझ में कैसे आए, इसके लिए इस पर आप ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है। एक बात और इस पर चर्चा करें कि जो लंबाई है वही क्या है? चौड़ाई है, वही ऊंचाई है, वही दूरी है, वही विस्थापन है। इन सब में बहुत अंतर नहीं है। लंबाई को आप लंबाई कहेंगे, यदि आप कोई वस्तु चौड़ाई में है तो उसको भी आप चौड़ाई कहेंगे, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो लंबाई ही है। ऊंचाई की आप बात करेंगे, आप एक डंडे की बात करिए कि एक 10 फुट का डंडा जमीन पे रखा है तो आप कहेंगे 10 फुट का लंबा डंडा रखा है। आप उसी डंडे को खड़ा कर देंगे तो आप कहेंगे 10 फुट का ऊंचा डंडा है। तो जो लंबाई है वही ऊंचाई बन जाता है, तो इसमें कोई भेद नहीं है, इसको आपको समझना होगा। तो हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कौन सी राशि है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लंबाई मूल राशि है। तो हमने परिभाषा कहती है कि मूल राशियों की सहायता से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होती है। तो लंबाई के बिना यदि इस सूत्र को लिखा जाए, इस सूत्र को लंबाई के बिना लिखा जाए तो क्या सूत्र ये सही है? ये सूत्र गलत है। इसको सही कब बनेगा? जब इसमें लंबाई का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या है
कि लंबाई की सहायता से क्या मिल रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि। तो परिभाषा सिद्ध होती है यहाँ पर कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, जैसे आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें भी लंबाई मूल राशि है। जैसे जैसे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी है क्या, दूरी लंबाई ही है। यदि आपको समझ में आए तो दूरी लंबाई ही है, यदि ना समझ में आए तो समय को आप देख लीजिए। समय, समय मूल राशि है। यदि समय के बिना इस पर सूत्र को लिखा जाए तो ये सूत्र कभी नहीं बनेगा, और सूत्र नहीं बनेगा तो चाल कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, समय की सहायता से क्या मिल रहा है, चाल मिल रहा है। तो समय मूल राशि है, तो मूल राशि की सहायता से क्या प्राप्त हो रही है, चाल प्राप्त हो रही है। तो चाल किसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, अथवा ऐसे कहें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल, आयतन, चाल या अन्य जो भी राशि आप पढ़ेंगे वो सब व्युत्पन्न राशि के ही प्रकार में आएगी। तो ये व्युत्पन्न राशियां हो गई, इसमें आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसके आगे हम पढ़ते हैं इसी में व्युत्पन्न मात्रक। अगली हेडिंग आप बनाइए व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक। परिभाषा बनेगी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि, हमने पढ़ा था क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल का सूत्र था क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा करते हैं मूल राशि से, तो मूल राशि लंबाई का मात्रक हमने पढ़ा था चार्ट के माध्यम से, वो क्या था, मीटर। यदि हम मूल राशि के मात्रक की बात करें तो मूल राशि लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर, और चौड़ाई भी लंबाई है इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। सिद्धांत पढ़ा था गणित में आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर कौन सा मात्रक कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि हम आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक क्या होगा, इस पर यदि हम चर्चा करें तो लंबाई का मात्रक अभी हमने पढ़ा था मीटर, चौड़ाई भी लंबाई का ही रूप है, ऊंचाई भी लंबाई का ही रूप है, इसलिए इनके मात्रक आपस में बराबर होंगे। इसलिए बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये बन जाएगा मीटर घाते तीन या मीटर क्यूब। ये किसका मात्रक हो गया, आयतन का मात्रक। और आयतन कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। और परिभाषा कहती है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, इसलिए ये मात्रक कौन हो गए, व्युत्पन्न मात्रक हो गए। इसमें यदि आप और पढ़ना चाहें तो हम घनत्व के मात्रक की बात करते हैं। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यदि हम मात्रक की बात करें तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन का मात्रक हमने अभी निकाला मीटर क्यूब। तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाहें जो मात्रक निकालना चाहें
वो मात्रक हम निकाल सकते हैं। तो हमने प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से मूल राशि और मूल मात्रक भौतिक जगत में मापन की क्या आवश्यकता है इसके बारे में चर्चा की। इसी क्रम में आगे यदि हम इसमें पढ़ें तो हमने मूल राशि माने हमने जो सामान्यतः हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं टेम्परेचर नापना है आप थर्मामीटर से नाप लीजिए ताप के पदों में आ जाएगा। आपको लंबाई नापनी है दूरी नापनी है लंबाई के पदों में मिल जाएगी। आपको वजन नापना है द्रव्यमान के पदों में मिल जाएगा। तो ये हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने सब पढ़ रखी थी। हमने इसके माध्यम से मूल राशि के माध्यम से व्युत्पन्न राशियों को पढ़ रखा था। लेकिन अचानक एकाएक दिमाग में एक बात आई वैज्ञानिकों के कि ठीक है हमने मूल राशि को पढ़ लिया हमने मूल मात्रक को पढ़ लिया हमने व्युत्पन्न राशि को पढ़ लिया व्युत्पन्न मात्रक को पढ़ लिया। अब यदि आपको कहीं ऐसे मापने को मिल जाए कि आप चार मंजिला इमारत पर बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपसे रोड उस पार बैठा है और वो कहे कि भाई साहब यहाँ से सीधी लंबाई आप नाप दीजिए कितनी लंबाई सीधी बन रही है तो कुछ आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। ये इमारत है एक ये धरातल है यहां पर एक व्यक्ति बैठा है ये एक व्यक्ति यहां पर बैठा है इसने यहां पर इसका एक साथी खड़ा है मित्र उसने कहा कि भैया ये दूरी आप माप दो कितनी दूरी ये बन जाएगी। ऐसी स्थिति बन जाए ऐसी विकट स्थिति बन जाए ये स्थिति तो बेग नॉर्मल स्थिति है। यदि कोई व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ा है पहाड़ी पर चढ़ा है कोई व्यक्ति इस प्रकार की मान लीजिए पहाड़ी है ये धरातल से है पहाड़ी इसकी चोटी पर कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पर और वो कह रहा है भैया यहाँ से इसको नापना है नाप दीजिए यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है तब नापने की स्थिति क्या बनेगी तो स्थिति और विकट बन जाएगी। ऐसी स्थितियों को नापने के लिए हमें आवश्यकता होगी कोण की हमें आवश्यकता होगी कोण की। तो कोण हमने पढ़ा ही नहीं हमने तो मूल राशि पढ़ लिया व्युत्पन्न राशि पढ़ लिया कोण नहीं पढ़ा। तो ऐसी स्थिति पर एक अपवाद की स्थिति बन गई और उस स्थिति में एक राशि का निर्माण किया गया उस एक राशि को वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म दिया उस राशि का नाम था पूरक राशि उस राशि का नाम था पूरक राशि। आप शाब्दिक अर्थों से समझें तो पूरक राशियां वे राशियां जो भौतिक जगत में मापन की क्रिया को पूर्ण करें भौतिक जगत में मापन की क्रिया को पूर्ण करें वो पूरक राशियां हैं। तो पूरक राशियां हैं क्या पूरक राशियां वे भौतिक राशियां लिखें इसमें वे भौतिक राशियां जो भौतिक जगत में मापन को पूर्ण करें उन्हें पूरक राशियां कहते हैं उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं एक कोण एंगल इसको समतली कोण भी कहते हैं इसको समतली कोण भी कहते हैं दूसरा घन कोण इसको ठोस कोण भी कहते हैं ठोस कोण भी कहते हैं। तो ये दो राशियां हैं पूरक राशियां। अब इनके मात्रक भी होते हैं पूरक राशियों के मात्रक कहलाते हैं पूरक मात्रक पूरक मात्रक पूरक मात्रक में कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। यदि आप इसको और समझना चाहो तो हम इसमें बात करते हैं कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। यदि हम कोण की बात करें तो कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या चाप बटे त्रिज्या। ये एक वृत्तीय परिधि है ये इसका एक चाप है ये इसकी त्रिज्या है तो यहाँ जो ये बन रहा है ये कोण है ये क्या है कोण। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये कोण है। यदि हम घन कोण की बात करें तो घन कोण का सूत्र होता है ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर
डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। ये जो चाप लिया इसका क्षेत्रफल और ये जो दूरी इसके वर्ग का, इसका वर्ग का अनुपात क्या कहलाएगा? घन कोण कहलाएगा। या आप इसको शाब्दिक अर्थों में समझना चाहें तो घन कोण की चर्चा आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर आपको चर्चा परिचर्चा में यदि बताएं तो घन कोण की परिभाषा है किसी गोली पृष्ठ की परिसीमा द्वारा, ये गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ की परिसीमा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। सूत्र होता है डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसकी बात हमने इसमें की, तो कोण जानना बड़ा आवश्यक था और घन कोण जानना बड़ा आवश्यक था, इन सब की चर्चा हमने इस अध्याय के अंतर्गत की। इसके अगले क्रम में हम यदि बात करें तो बात आती है कि प्रकृति में बलों की बात हम करते हैं, प्रकृति में बल कितने प्रकार के हैं, बल क्या है इसकी बात करते हैं, तो बल प्रकृति में चार प्रकार के हैं, प्रकृति के चार बल, मूल बल चार प्रकार के हैं। यदि हम बल की बात करें तो बल क्या है, पहले हम जानते हैं बल क्या है। आप हेडिंग लगाएंगे बल, आप हेडिंग बनाइए बल, बल क्या है, बल क्या है इसको आप जानना चाहो तो इसको हम समझते हैं। कॉपी लाओ, कॉपी लाओ। यदि हम बल को जानना चाहते हैं, हम इस पुस्तक की बात करते हैं, ये बुक है, कॉपी है, इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी यदि हम बात करें, इस पर यदि हम इससे कहें कि इसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए और हम कह दें कि कॉपी आप अपनी आकृति में परिवर्तन कर लीजिए, तो क्या कॉपी परिवर्तन कर लेगी? नहीं, कॉपी परिवर्तन नहीं करेगी, इस पर हमें बल लगाना पड़ेगा। हमने बल लगाया तो इस कॉपी के आकार और आकृति में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। इसके विपरीत में हम इस दीवार की बात करते हैं, इस पर हम बल लगाते हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, तो क्या इसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या इस पर हम बल नहीं लगा रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं। तो बल है क्या, मूल चीज क्या है बल में? बल कोई आंतरिक क्रिया नहीं है कि आप कह दीजिए कि बल लग जाए तो लग जाएगा। बल वह बाह्य कारक है, बल बाहर से लगता है और जो क्या करता है, जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है उसे हम बल कहते हैं। तो आप इसमें लिखें बल वह बाह्य कारक है, इसमें लिखिए बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, इसे हम बल कहते हैं, इसे बल कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप स्मॉल एफ से लिखें चाहे कैपिटल एफ से लिखें, बल फोर्स कहलाएगा, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बल का? बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। लिखें इसका मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम बात करेंगे बलों के प्रकार की, कि प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में छात्रों तक इसको भेजिए, जिससे इस संसार में या इस जगत में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, जो नहीं जान पाते हैं कि क्या चीज़ें तथ्यात्मक हैं और वो चीज़ें कहाँ से स्पष्ट होती हैं, तो वो विज्ञान को समझ कर पढ़ें और अपने जीवन को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने में हम उनकी सहायता उन्हें हम सहायक बने। धन्यवाद।